नमस्कार, उत्तर प्रदेश चुनाव का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे तीन बड़ी खबरों की। पहली, अखिलेश यादव के खिलाफ अपर्णा यादव की हुंकार की। दूसरी, मथुरा से गरजे अमित शाह की। और अंत में चर्चा करेंगे ओवैसी के अखिलेश पर तंज की। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहली खबर पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी यूपी में बड़ा दाव खेल सकती है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को बीजेपी अखिलेश यादव के खिलाफ मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। जब से अपर्णा भाभी बीजेपी में शामिल हुई है, लगातार अखिलेश भैया के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी हुई है। अब कहा जा रहा है वो अखिलेश के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। ये तो अगर हो जाता है तो ये समझिए कि सबसे बड़ा चुनाव जी। पूरी मीडिया, पूरा देश की उसकी नज़र जो है वो करहल पे पहुंच जाएगी। ये दाव बहुत कायदे का दाव होगा। रीज़न ये है कि जिस हिसाब से अखिलेश यादव वो माहौल बना रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है, 400 सीटें आ रही है, आपने पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को उनके घर भेज दिया, वो वहीं रहेंगे, वहीं पे कैंपेन करेंगे, इस तरह की बातें जो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अगर अपर्णा यादव करहल से सीधे सीधे अखिलेश यादव से दो दो हाथ करती है, अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ जाएगी जी। क्योंकि आप ये समझिए, वो जो मैनपुरी का जो इलाका है उसे दो व्यक्तियों ने सींचा था, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव जी। और दोनों की ही जो कह सकते कि सिंपथी आज की तारीख में अपर्णा यादव के साथ है। ऐसा नहीं होता कि आप परिवार में विद्रोह करके घर से बाहर निकलती हैं और अगले ही दिन परिवार के मुखिया के साथ आप आशीर्वाद लेते हुए तस्वीरें आप पब्लिक करती हैं। ये जो तस्वीर आई वो कोई पारिवारिक तस्वीर नहीं है, उसमें एक पॉलिटिकल मैसेज है। और पॉलिटिकल मैसेज ये है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ के जो बीजेपी में शामिल हुई, इसके पीछे मुलायम सिंह यादव का पूरा आशीर्वाद है और उनकी सहमति है। और ये सहमति और आशीर्वाद के साथ वो करहल जाएंगी तो अखिलेश यादव को तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उस इलाके में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नगण्य है जी। ऐसा नहीं कि फीफडम जो है पहले की तरह मुलायम सिंह यादव के ज़माने में जिस तरीके से हुआ करता था वो है, ऐसा नहीं है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन हो जाएगा। मीडिया में लगातार इसे दिखाया भी जाएगा, बड़े बड़े लीडर्स भी वहां जाएंगे। और अखिलेश यादव चूंकि अकेले स्टार कैंपेनर हैं पूरे समाजवादी पार्टी में जी। उनके अलावा कोई कैंपेन करने लायक भी नहीं है, तो ऐसे में उनका बहुत सारा वक्त वो करहल में गुजरेगा। और ये स्ट्रेटजी के तहत भारतीय जनता पार्टी ये फैसला लेती है तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन अखिलेश यादव की। जी बिल्कुल। और अगर ऐसा होता है तो कुल मिलाकर करहल सीट में चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। चलिए दूसरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। चुनाव के मद्देनजर अमित शाह मथुरा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, यूपी में योगी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई की गई, गुंडाराज और माफिया राज खत्म किया गया, लेकिन जब जब माफियाओं पर कार्रवाई होती है अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है। वाकई ऐसा देखा जाता है कि जब जब माफियाओं, गुंडों, दंगाइयों पर कार्रवाई होती है अखिलेश यादव बौखला क्यों जाते हैं? इस बयान से भी बौखला गए। देखिए, ये जो अखिलेश यादव की जो राजनीति है, जो उनकी जो पार्टी है, इसमें तो बिना किसी डाउट के ये कहा ही जा सकता है कि उस तरह के एलिमेंट्स ज्यादा है जी। केसेस बहुत सारे लोगों पे होते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जिनकी दहशत है उस तरह के एलिमेंट समाजवादी पार्टी में है। मैं अखिलेश के ऊपर आऊंगा,
लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, अमित शाह लगातार इस चुनाव में एक इशारा देते हुए चले जा रहे हैं जी। पहले दिन उन्होंने कहाँ कैंपेन किया, कैराना, मैसेज चला गया, डिबेट स्टार्ट हो गया, पलायन की बात आ गई, लॉ एंड ऑर्डर की बात आ गई, महिलाओं की सुरक्षा की बात आ गई, फिर उसके बाद जाट लीडर से उन्होंने मुलाकात की और आज वो सीधे बांके बिहारी मथुरा पहुंच गए जी। नोएडा आने की भी तैयारी चल रही है। अब ये बताइए कहां से कहां सिग्नल जा रहा है जी। मतलब बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को बिल्कुल सो कह सकते हैं कि उस मुद्दे के ऊपर एक्सेलेटर दबा करके कैंपेन कर रही है, करने वाली है। और जो सबसे बड़ी बात इस पूरे चुनाव के कैंपेन में नजर आ रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं है, वो ये है कि महिला वोटरों से उनकी सुरक्षा, उनकी इज्जत आबरू, जिस तरह का बिल्कुल लॉलेसनेस समाजवादी पार्टी के दौरान होता था, उसको बार बार हैमर किया जा रहा है, लोगों को याद दिलाया जा रहा है। और आप भी जेवर गई हुई थी कल, महिलाओं से आपने बातचीत की, महिलाओं के अंदर समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही खराब इंप्रेशन बना हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ही ज़्यादा टिल्ट हो चुका है और यही भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर प्ले आउट कर रही है। चलिए आखिरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। अखिलेश के पाकिस्तान वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान और जिन्ना का जिक्र क्यों। अखिलेश यादव मुसलमान का नाम लेना पसंद नहीं करते क्योंकि हिंदू वोट बैंक ना फिसल जाए। साथ ही कहा कि हम बाई बर्थ और बाई चॉइस भारतीय हैं। ओवैसी के इस बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, ये ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच मुस्लिम वोटों के लिए शैडो बॉक्सिंग वो चल रहा है। वो बार बार उस मुद्दे को उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई मुसलमानों के खैरात, उनके वोटों से आप तो चुनाव जीतते हो लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते, वो टोकनिज्म है। अखिलेश यादव, अब आप देखिए, आज अखिलेश यादव TV9 के सम्मेलन में थे, उनका जो कॉन्क्लेव होता है, और जिस हिसाब से वो पत्रकारों के साथ वो बातचीत कर रहे थे कि हमने सिर्फ आधे घंटे का समय दिया है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है, आप लोग बायस्ड हो, उनसे सवाल पूछा गया था बाहुबलियों के ऊपर, किसके ऊपर, यही अंसारी, यही मुख्तार, यही आजम खान, इस तरह के लोगों जो हिस्ट्री सीटर हैं कि क्यों आपने इस तरह के एलिमेंट्स को दिया है। तो वो इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने बाकायदा एक सो कह सकते कि अपने टेम्पर को वो लूज़ कर गए। ये अच्छे संकेत नहीं है। मीडिया से दुश्मनी करके कोई नेता बड़ा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी आज उसकी दुर्गति इसलिए भी है क्योंकि 2014 के बाद उसने कई सारे टेलीविजन चैनल से कह दिया कि आपको हम बैकआउट करते हैं, आपसे हम बात नहीं करेंगे, हमारे प्रवक्ता आपके पास नहीं जाएंगे। किसका नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ? 2019 में क्या हुआ, कोई स्थिति में बदलाव आई? कांग्रेस पार्टी और टूटती चली गई, खत्म होती चली गई जी। नया कोई चेहरा, कोई नया लीडर नहीं। अब हार के आपको अब फिर उन्हीं चैनलों में आपको कांग्रेस के लोगों को ही भेजना पड़ रहा है। तो मीडिया से दुश्मनी करने का मतलब यह हो रहा है कि ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अंडर कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। ओवैसी साहब उस तरह का कमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और इसलिए वो बार बार अखिलेश यादव को पोक कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं भाई पाकिस्तान कैसे क्यों आ रहा है। मैं आपको बता दूं, हकीकत है लेकिन शर्मनाक है। अखिलेश के इस बयान पे इसी TV9 के सर्वे में, जिसमें आज वो मौजूद थे, ये बताया गया
कि 70% मुस्लिम पॉपुलेशन, उसमें जो सर्वे किया गया है मुसलमानों की राय अलग ढंग से ली गई है, जिसमें 70% मुस्लिम पॉपुलेशन ये कह रहा है कि अखिलेश यादव ने जो बात कही वो सही है। तो अखिलेश यादव तो अपने हिसाब से अपने वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के हिसाब से सही रास्ते पर चल रहे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अनायास पाकिस्तान नहीं आता, अनायास जिन्ना नहीं आता। उस कम्युनिटी के माइंडसेट को भी ये लीडर समझते हैं कि क्या बोलने से लोग हमारी पार्टी की तरफ आकर्षित होंगे जी। और इसलिए ये जो ओवैसी साहब जो सवाल कर रहे हैं वो बेमानी है। ये अखिलेश यादव की अकलमंदी है कि वो उस तरह के मुद्दों को भी टच कर रहे हैं जिससे उनके उनका जो वोट बैंक है उससे खुश हो जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। तो हर पार्टी एक्शन में है। बीजेपी के चाणक्य यूपी के दंगल में जी जान से जुटे हैं। इसके पहले अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठक की थी, उसके बाद मथुरा से हुंकार भरी, अब है नोएडा की बारी। अब देखना होगा इस चुनाव में किसकी मेहनत रंग लाती है। इस खास शो में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।